माई चैनल। कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो अभी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ईगो इटली का राइडिंग बूट्स, जो कि मैंने मंगवाया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। तो अभी हम इसका बात करेंगे, फीचर्स, स्टाइल्स एंड प्राइसिंग, और आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो अभी हम फटाफट अंदाज से अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये है ईगो इटली का राइडिंग बूट्स। बॉक्स को अभी साइड में रख देते हैं। वेट में लाइट वेट है, ज्यादा वेट नहीं है इसका। और ये वाटर रेजिस्टेंस है, नॉट वाटर प्रूफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, नॉट वाटर प्रूफ। सो ये मैं रेकमेंड करूँगा आप सिटी राइड के लिए या छोटे मोटे लॉन्ग ड्राइव के लिए। बट अगर आप प्लान कर रहे हैं लद्दाख और किसी हिल स्टेशन के लिए, तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये वाटर प्रूफ शूज नहीं है। बाकी स्टाइलिंग की बात करूँ तो स्टाइल इसका परफेक्ट है। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं ये एक टो प्रोटेक्टर है। सो हल्का फुल्का अगर चोट लगे तो ये आपका बचाव करेगा। अगर आप एक्सीडेंटली अगर गिर जाते हैं तो ये हमारे टो का यहाँ पे एंकल प्रोटेक्टर है, जो मेन राइडिंग बूट्स में होता है हमारे सेफ्टी के लिए। एंकल प्रोटेक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंकल प्रोटेक्टर्स। सो ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज। तो अब इसकी बात करते हैं कंफर्ट की। तो मैं इसको अभी पहन के देखता हूँ कितना कंफर्ट है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिप दिया हुआ है, पहनने से पहले इसको जिप खोलेंगे। अभी मैंने सॉक्स पहना नहीं है, विदाउट सॉक्स मैं इसको पहन रहा हूँ। दोनों सूट्स पहन लेता हूँ ताकि कंफर्ट का एक्चुअल पता चले। थोड़ा मैं चल के भी देखता हूँ। सो कंफर्ट में मुझे ये 10 out of 8 में दूंगा। सो इट्स ओवरऑल अ गुड पैकेज। हम इसको कंसीडर कर सकते हैं अपने सिटी राइड्स के लिए या छोटे मोटे लॉन्ग राइड्स के लिए भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। बस अगर आप हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, पहाड़ियों पे जा रहे हैं, जस्ट
अगर आप लद्दाख वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें वाटर प्रूफ शूज़ की जरूरत पड़ती है। सो ये वाटर प्रूफ नहीं है लेकिन, बट वहाँ पे आपका अगर लद्दाख भी अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो बात हो गई पूरे इसकी स्टाइल, कम्फर्ट्स, लुक। अब आता हूँ प्राइसिंग पे। सो गाइज, इस शूज़ को मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये शूज़ मुझे पड़ा है 2000 रुपीज़ का, और जो कि सेल में थोड़ा कम हो जाता है और रेट इसका फ्लैक्चुएट होते रहता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप प्लान कर रहे हैं एक बजट शूज़ के लिए तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर दिस, ठीक है। सो अभी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अभी और भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है अपने राइड्स के लिए। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू, जय हिंद।